क्या आपका पीसी समर्स में स्लो हो जाता है या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके पीसी को कूल कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टिप नंबर वन, क्लीन योर पीसी। क्या आपको पता है इस बारे में कि कभी कभी आपके पीसी स्लो काम करते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो पीसी स्लो या फैंस को घूमने से बंद कर देती है इस समर्स में? डर्ट इन फॉर्म ऑफ डस्ट, पेट हेयर एक्सेट्रा, और ये डर्ट पार्टिकल्स फैंस में जाके चिपक जाते हैं, और फैन स्लो होगा तो गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो इन सिंपल वर्ड्स ये सारी चीज़ें पीसी को स्लो करने के लिए काफ़ी हैं। ये सारी चीज़ें पीसी को स्लो करने के साथ पीसी की हीट बढ़ा देती हैं, तो पीसी को क्लीन रखना ज़रूरी है। पीसी को साफ करने के लिए आप ब्लोअर का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टेशनरी पे आपको ब्रश तो मिल ही जाएगा। बी केयरफुल नॉट टू हार्म एनीथिंग दैट इज़ टू सेंसिटिव, तो कपड़े का यूज़ मत करना। एंड ऑल्सो पीसी क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल पीसी शॉप्स में प्रोफेशनली करवा सकते हैं, हालांकि वो फ्री में नहीं करने वाले, इसके लिए वो कुछ नॉमिनल चार्जेस लेंगे। और अगर आपको फ्री में पीसी क्लीन करवाना है तो वेलकम टू प्राइम एबीजीबी। इसके लिए बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हमें कॉन्टैक्ट करना है। फर्स्ट 10 कमेंट्स गेट अ चांस टू क्लीन योर गेमिंग पीसी फॉर फ्री, वो भी प्रोफेशनली। इससे आपका पीसी नए जैसा काम करने लगेगा। टिप नंबर टू, रीअप्लाई थर्मल पेस्ट। प्रोसेसर्स काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, पुराने थर्मल पेस्ट को निकाल करके नए थर्मल पेस्ट लगाने से उसके चिपसेट को कूल कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, बस आपको थर्मल पेस्ट खरीदना है, वो भी प्राइम एबीजीबी से, और प्रोसेसर्स के ऊपर जो फैन लगा होता है उसे रिमूव करके पुराने थर्मल पेस्ट को साफ करके उस पर नया थर्मल पेस्ट लगाना है, फिर वापस से फैन को लगा देना है, और फैंस को आप डायगोनली स्क्रू करना, नहीं तो आपका फैन डांस करेगा। टिप नंबर थ्री, कीप योर सिस्टम अवे फ्रॉम वेंट्स एंड विंडोज़। अगर आपका सिस्टम विंडो के पास है या किसी गर्म जगह है जहां से अच्छी खासी धूप आती है, तो जाहिर सी बात है आपका पीसी गर्म तो होगा ही, तो इसके लिए आप पीसी की जगह चेंज कर सकते हैं जो आपके पीसी को ठंडा रखे। टिप नंबर फोर, गिव योर सिस्टम सम ब्रीथिंग रूम। टेक अ लुक एट वेयर योर कंप्यूटर इज पोजिशनड। अगर उसके आसपास से एयर निकलने की जगह नहीं होगी तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो सकता है। फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस यू वॉन्ट टू लीव 2 or 3 inches ऑफ स्पेस ऑन ऑल साइड्स ऑफ योर कंप्यूटर, बट इफ़ योर सिस्टम इज इन अ इनक्लोज स्पेस लाइक इन द विंडो, ड्रॉवर और एल्स, इट फेसेस एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ओवरहीटिंग। टिप नंबर फाइव, स्टॉप ओवरक्लॉकिंग। ओवरक्लॉकिंग एक पल के लिए आपका स्पीड तो बढ़ा देगा और शायद अच्छा परफॉर्मेंस भी दे दे, लेकिन उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, तो गर्मियों में ओवरक्लॉकिंग ना ही करें तो अच्छा है, बट फिर भी ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो तो मेक श्योर यू टेक एडिशनल प्रिकॉशंस टू इम्प्रूव योर सिस्टम्स कूलिंग एबिलिटी बाय इंस्टॉलिंग मोर एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी। क्लोज योर सिस्टम्स केस। सीपीयू का केस खुला रखने से इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, जबकि इसका उल्टा ही इफेक्ट होगा, और बाहर की गर्मी भी अंदर चली जाएगी और डर्ट और डस्ट भी बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका पीसी सुपर स्लो हो जाएगा। अ क्लोज्ड केस हेल्प्स योर सिस्टम रिमेन कूल बिकॉज इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ डस्ट एंड डेब्रिस ऑन द कूलिंग फैंस। टू मच डर्ट कैन मेक योर फैन स्लो डाउन और क्वाइट वर्किंग ऑल टुगेदर, सो क्लोज योर सिस्टम्स केस। टिप नंबर सेवन, अपग्रेड योर सीपीयू फैन। आप अपने पुराने सीपीयू फैन को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कुछ सीपीयूज के साथ प्री इंस्टॉल्ड फैन आते हैं जो काफ़ी लो एंड फैंस होते हैं डैट आर इंजीनियर टू कूल योर प्रोसेसर जस्ट इनफ टू कूल इट रनिंग एंड जस्ट नथिंग मोर। आप अपने पुराने सीपीयू को रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए उस फैंस को अपग्रेड कर सकते हैं टू कूल डाउन योर सीपीयू टेम्परेचर। हाउएवर योर सीपीयू फैन कैन ओनली कूल द लोएस्ट टेम्परेचर इन योर केस रिगार्डलेस ऑफ हाउ वेल डिजाइन योर सीपीयू फैन इज। हमारे वेबसाइट्स पे आपको काफ़ी अच्छे और वेल डिजाइंड सीपीयू फैन मिल जाते हैं जो आपके सीपीयू को ठंडा करने के लिए काफ़ी हैं। टिप नंबर एट, एड अ केस फैन। अपग्रेडिंग योर सीपीयू फैन इज अ स्टार्ट, बट एडिंग केस फैंस कैन ऑल्सो बी अ बिग हेल्प। जैसा कि हम जानते हैं मेमोरी और ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, सो इन दैट केस केस फैन इंक्रीजेज द एयर फ्लो अटैचिंग टू द फ्रंट एंड बैक ऑफ योर सिस्टम। टिप नंबर नाइन, एड अ मेमोरी कूलिंग फैन। मेमोरी एक ऐसा कंपोनेंट है आपके पीसी में जो ओवरहीट होता है, सो टू हेल्प कीप टेम्परेचर डाउन
स्पेशली व्हेन ओवरक्लॉकिंग वी रिकमेंड अ कूलिंग फैन व्हिच हेल्प्स एलिमिनेट डेड स्पॉट्स ऑफ एयर फ्लो विद इन योर सिस्टम्स मेमोरी एरिया. टिप नंबर 10, चेक योर सिस्टम्स पावर सप्लाई फैन. पीसी के पावर सप्लाई में इंटीग्रेटेड फैन होते हैं एंड इफ यू डोंट हैव अ केस फैन द पावर सप्लाई फैन इज द ओनली थिंग दैट पुशिंग हॉट एयर आउट ऑफ योर सिस्टम. तो अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है योर सिस्टम्स विल हीट अप क्विकली. इफ योर पावर सप्लाई फैन इजंट वर्किंग रिप्लेस इट एज सून एज पॉसिबल. टिप नंबर 11, गेट अ वाटर कूलिंग किट. गेमिंग के लिए हाई एंड CPUs और ओवरक्लॉक कंपोनेंट्स में फास्टेस्ट फैंस भी कभी कभी धोखा दे देते हैं, मीन्स बढ़ते टेम्परेचर को रोक नहीं पाते हैं. तो उसके लिए काफ़ी गेमर्स वाटर कूलिंग किट्स का यूज़ करते हैं टू कूल द CPU. इन दिस वे दिस इज़ द कूल वे टू कूल योर PC. तो गर्मियों में आप ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो तो ऐड कूलिंग किट्स टू योर PC. तो गाइस, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका यूज़ करके आप अपने PC को कूल रख सकते हैं. होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ इट इज़ देन हेल्प अदर्स बाय शेयरिंग दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब.